महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने गांधी पार्क से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं का आरोप है कि टेक होम राशन योजना से पहले तो बिना भुगतान के उन्हें बाहर किया गया, वहीं अब उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। साथ ही मंत्री बार बार बजट होने की बात कर रही है, लेकिन खाते में कुछ भी नहीं आ रहा है। देहरादून से प्रमिता सारंग की रिपोर्ट। बंद करो समूह का पैसा, जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। आप लोगों का सचिवालय पूछ का कार्यक्रम है, टेक होम राशन योजना बंद हो गई है, बकाया भुगतान भी है, क्या कुछ आप लोगों की मांग है और क्या नाराजगी है? हमारी मांग है कि हमारा जो टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था ICDS के तहत, उसका एक तो इन्होंने बिना भुगतान के दूसरों समूह को भी काम दे दिया, जो मतलब निर्दोष थे वो भी फंसा दिए इन्होंने। पुराने समूह का भुगतान नहीं करा, फिर नए समूह को काम दिया लेकिन उनका भी भुगतान नहीं करा। भुगतान नहीं करा तो इससे क्या हुआ, हमारी बैंक की सिविल खराब हो गई, हम लोगों को देखते ही लोग अब किनारे हटने लग गए। जहाँ सम्मान की जिंदगी जी रहे थे, लोग हमारे घर पे हमारे लाला आने लग गए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करी, ये सब जो कर रही है बाल विकास मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में खुद कहा था कि पैसा आ चुका भारत सरकार से, और जनवरी तक का पैसा आ रहा, तो आखिर वो पैसा है कहाँ? और उन्होंने कई बार कह दिया कि पैसा हम लोगों ने भेज भी दिया है, लेकिन वो पैसा धरती तक नहीं उतरा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कब तक करेंगी ऐसा? हमारी महिलाओं का एक महिला की दुश्मन बन गई है। तो हमारी एक आवाज है माननीय प्रधानमंत्री जी तक कि वो जरा संज्ञान में ले इस मामले को, ना ये सबसे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उनको तो उनके पास जाना बड़ा मुसीबत का काम हो गया, उनके पास जो अच्छी सेटिंग वाला होगा वही जाएगा, अन्यथा उनके तो दरवाजे हमारे लिए बंद है। पहली बात, वो जैसे उनको पता चलता है कि समूह की महिला आ रही, तो वो किसी को भी अंदर नहीं आने देते हैं, ये जो कि बहुत ही गलत है। तो अगर ऐसा नहीं इन्होंने करा, अगर इन्होंने हमारी मांगे पूरी ना करी, एक तो हमारा काम वापस CM है। समूह की महिलाओं ने अपने पास बहुत वो खरीदे हुए, अपने उपकरण खरीदे हुए, उनको कहाँ ले जाएंगे हम? जो सामान ले लेके डाल दिया था लालाओं से, जो गांव की महिलाओं से खरीदा था, जो हमारी गोदाम ले रखे है जिन समूहों से हमने महिलाओं से, उनके गोदाम उनका भी वो चला गया हमारा, उनकी भी एक आय का साधन था। लोडर वाले हमारे साथ लगे हुए थे, उनका हम पैसा नहीं भुगतान कर पाए। जो सप्लाई लोडर उनके साथ सप्लाई बॉय लगे हुए थे हमारे, उनका हम भुगतान नहीं कर पाए, अपने समूह की महिलाओं का भुगतान नहीं कर पाए। अरे सच्चा तो हम मरी जाए आज, हमने किराया हमें क्या हमें क्या डरा रही है, पुलिस की डंडे लेके बैठी है, मार डालो ना हमें। सही बात है, लिखी जाइए।